तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि एक पेस बॉलर के लिए उनका रनअप कैसा होना चाहिए। तो एक पेस बॉलर के लिए रनअप काफी इंपॉर्टेंट रखता है, तो इसलिए मैं इस वीडियो में आपको कंप्लीट दिखाऊंगा कि आपका रनअप कैसा होना चाहिए। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। दुनिया में ऐसा कुछ नहीं जो आप नहीं कर सकते, दुनिया में ऐसा कुछ नहीं जो आप नहीं बन सकते। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और उसके बगल में जो बेल आइकन है उसको भी दबा ले। तो चलिए सच में आज कुछ सीखते हैं। तो चलिए मैं आप आपको कंप्लीट समझाता हूँ कि आपका रनअप कैसा होना चाहिए। तो पहले शुरुआत की बात करते हैं, यानी कि रनअप शुरू करने से पहले आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो रनअप शुरू करने से पहले आप अपना दोनों पैर को कुछ इस तरह से तो उसको एक लाइन में रखें। एक लाइन में रखने के बाद उसके बाद आप आगे की ओर थोड़ा बिल्कुल इस तरह से झुक ले, झुक के ही अपना रनअप शुरू करें। उसके बाद ही अपना रनअप शुरू करें। तो सबसे पहले अपना दोनों पैरों को एक लाइन में रखें, उसके बाद आगे की ओर झुक ले और उसके बाद अपना रनअप शुरू करें। आप अपना रनअप जो है वो कभी खड़े खड़े मत शुरू कर देना, इससे आपको मोमेंटम बिल्कुल नहीं मिलेगा। आप अपना रनअप थोड़ा सा आगे की ओर झुक के ही शुरू करना है। अब आते हैं हम सेकंड पॉइंट में। इसमें आपको करना ये है कि अपना रनअप छोटे छोटे स्टेप से शुरू करना है, यानी कि अगर आप शुरुआत से ही बड़े बड़े स्टेप से अपना रनअप लोगे तो अब आपको मोमेंटम नहीं मिलेगा। रनअप में जो इम्पोर्टेंट बात है वो है कि आपको मोमेंटम पकड़ना है, आपको एक मोमेंटम के साथ भागना है, तभी आपको बोल के पीछे पूरा फोर्स डाल पाओगे। एक और ध्यान रखने की बात ये है कि आपको रनअप में टोस के साथ भागना है, यानी कि पैर के आगे वाले हिस्से से आपको भागना है, आपको हील के साथ नहीं भागना है, यानी कि आपको अपने एरियो के साथ नहीं भागना है, आपको पूरा पैर के साथ भी नहीं भागना है, आपको अपने टोस के साथ ही भागना है और आपको बिल्कुल रनअप में सीधा भागना है, यानी कि एक लाइन में भागना है। आप अगर टेढ़ा मेढ़ा करके भागोगे तो अब आपको मोमेंटम नहीं मिलेगा, आपके रनअप में बैलेंस भी नहीं रहेगा, इससे आप बॉल को इधर इधर फेंकोगे, आपको लाइन लेंथ अच्छा नहीं मिलेगा और आपको पेस भी नहीं मिलेगा इधर उधर जाएंगे। तो आपको बैलेंस के साथ भी भागना है, आपको एक लाइन में भागना है और अपने दोस्त के साथ भागे। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि मैं यहाँ पर बॉलिंग नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ रनअप का ड्रिल कर रहा हूँ, तो आप भी ऐसे कर सकते हैं। आप अपना रनअप डिसाइड कर ले और उसके बाद एक स्टाम्प लगा लीजिए और वहाँ से अपना रनअप का ड्रिल कर सकते हैं। ऐसे ये ड्रिल आपको काफ़ी हेल्प करेगी, आप क्योंकि आप जितना करते जाओगे उतना ज़्यादा आप सीखते जाओगे और ये ड्रिल करते करते आपका रनअप भी इम्प्रूव हो जाएगा। इसके लिए आपको किसी मैदान की भी ज़रूरत नहीं है, बस एक जगह सुन लीजिए जहाँ पर आपका रनअप के लिए जगह हो और वहाँ पर आप ये ड्रिल करते रहिए। जितना ज़्यादा करोगे आप उतने जल्दी आप सीखते जाओगे। और अब आपसे कुछ टिप्स शेयर करता हूँ कि जब भी आप रनअप शुरू करते हैं तब आपको बिल्कुल रिलैक्स रहना है। विश्व के मशहूर फास्ट बॉलर रह चुके ग्लेन मैकग्रा कहते हैं कि वो जब भी रनअप शुरू करते थे तब वो एक गाना गुनगुनाते थे ताकि वो रिलैक्स हो सके। कुछ लोगों का रनअप देखने में ऐसा लगता है कि वो रनअप में काफ़ी मेहनत करके भाग रहा है। रनअप में ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, आपको रनअप में बिल्कुल नॉर्मल सोच रखनी चाहिए और आपको बिल्कुल एक मोमेंटम पकड़ने की सोच रखनी चाहिए, यानी कि आपको रनअप में एक मोमेंटम पकड़ना है और भागना है। आज के वीडियो में बस इतना ही। ये तो थी रनअप के बारे में मेरे कुछ एक्सपीरियंसेस जो आज मैंने आपसे शेयर की। तो इस वीडियो से अगर आपने कुछ सीखा तो कमेंट करके बताना बिल्कुल मत भूलना। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबा के रखना, क्योंकि हम बहुत जल्द लाइव भी आने वाला है, तो बेल आइकन को ज़रूर दबा के रखना।